अल्फाज कह नहीं सारे को अल्फाज कह नहीं जैसे बयान करो सब कोई रास्ता दिखाए इन साइड का सब कोई ये नहीं भी सब पैसे की लालच नहीं अस आते हैं भी अस कुछ करें पे जरा कुछ अस तो अपने अमाम वास्ते भी असू सिखाने ये साहब भाई तो सब को भी रस्ते लाने ये साहब भाई लेकिन सारी अपनी मेहनत सारी हौसला अफजाई करें सको अस जिता कहीं भूल भी नहीं खास तौर ए साहब लाल बैठे तो गाल ये भाई कोई बैठा हो कहीं का भी लोग ही होने कोई खास गाल होंगी है लेकिन साहब भाई की जी बिलोंग करें ये बिलोंग चुन के करें खास ज्यादा करें अस्सलाम वालेकुम वीवर क्या हाल है उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे वीवर मैं हूँ राना साहब और आप देख रहे हैं इस टाइम मेरा यूट्यूब चैनल साहब सरैकी। तो वीवर हम अपने नए चैनल में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कर कहते हैं और करते हैं आज का मजेदार विदाउट शुरू। तो वीवर अभी मैं इस टाइम मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने अड्डा पुल थाना पे और सर हम तकरीबन मेरे घर से जो है ना 2 से 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है और हमें कोई चीज़ खरीदनी होती है फिर हमें वहाँ जाना पड़ता है और इस टाइम मैं जा रहा हूँ कि थोड़ा मुझे काम भी था और मज़े की बात बताऊँ कि आपको मैं मेरे अपने एक इलाके के यूट्यूबर हैं भाई बिलाल हैं वो फनी वीडियो का उनका चैनल है और उन्होंने मुझे कॉल की थी कि भाई थोड़ा बहुत मसला आ रहा है हमारे साथ हमारे चैनल में और आप आए और थोड़ा देखें चैनल को। तो मैंने कहा चलो ठीक है आज टाइम निकाल लेते हैं उनके चैनल को भी देख लेते हैं। और व्यूअर मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं कि ये मेरा पहला चैनल नहीं है और आप समझ रहे होंगे कि शायद ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस चैनल पर मेरा फर्स्ट व्लॉग है लेकिन मुझे यूट्यूब पर काम करते हुए तकरीबन 3 साल हो गए और इन 3 सालों में मैंने एक चैनल क्रिएट किया था और उस चैनल का नाम मैंने रखा था यार निकम्मा। तो व्यूअर हुआ कुछ यूँ कि उस चैनल पे मैंने काम तो किया लेकिन ये भी हकीकत है कि मैं उस चैनल को मोनेटाइज करवाने का मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था वो दरअसल उसके ऊपर जो है ना मैं एक प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी एप्लीकेशन है एक ऐसा इदारा है कि जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं होगी पूरी समझदारी नहीं होगी तो आप कैसे काम कर पाओगे। तो मैंने यूट्यूब का चैनल जो बनाया था वो दरअसल उस पर मैंने कुछ प्रैक्टिस करनी थी कुछ सीखना था तो उसके ऊपर मैं मुख्तलिफ काम करता रहा मैं सीखता रहा और कुछ ना कुछ मालूमात मैं इकट्ठी करता रहा। और अगर मैं ये बात करूं कि उसके ऊपर मैंने तजर्बे भी बहुत ज़्यादा किए और ट्रिकें भी बहुत ज़्यादा मैंने इस्तेमाल की कि मैच कर रहे थे तो मैं ये बात कर रहा था कि मैंने उस चैनल पे बहुत आड़े टेढ़े काम मैंने किए तो इसलिए मैंने किए कि मुझे चैनल तो मोनेटाइज करवाना नहीं था तो वो तो मेरा प्रैक्टिस चैनल था। तो अब इंशाल्लाह ताला मैंने ये जो चैनल क्रिएट किया है ना साहब सरैकी तो ये मेरा रेगुलर चैनल रहेगा और इस पे अब मैं दबा के इंशाल्लाह काम करूंगा और एक अच्छा कंटेंट पे काम करूंगा और व्लॉग बनाऊंगा और ज़बरदस्त व्लॉग बनाऊंगा इंशाल्लाह और आपको भी मायूस नहीं करूंगा कि मेरी ऑडियंस मेरे देखने वाले जो भी मेरे व्यूअर हैं सब्सक्राइबर हैं वो भी कहेंगे कि यार हाँ कोई व्लॉग लेकर आया है भाई। तो अभी मैं पहुंच गया हूं भाई बिलाल के पास जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भाई बिलाल से आज मिलना है मुझे तो भाई बिलाल से अभी मिलते हैं उनसे गपशप भी करते हैं और आपको भी मिलवाते हैं आपने हमारे साथ रहना है वीडियो को स्किप नहीं करना। तो और भाई आप इससे आपकी मुलाकात करवाते हैं तो ये दोनों शहजादे अभी घर से निकल कर आ गए हैं ये आपके सामने हैं जी हमारे ऊपर हैं भाई आबिद सरैकी इनका चैनल है। वालेकुम अस्सलाम शुभ शुभ सरकार क्या बात क्या हाल है तभी ऐसे ठीक है ये कौन सा काम शुरू कर रखा है आपने रमजान शरीफ हाँ अच्छा अच्छा भी और अभी जो है ना मैं आया हूँ यहाँ पे और बिलाल भी मेरे साथ हैं आबिद भाई भी मेरे साथ हैं तो वहाँ हम नहर के ऊपर खड़े थे और वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा थी तो अभी हम आ गए हैं थोड़ा यहाँ पे छाँव में तो क्या बात है ज़बरदस्त और आपको ये सीन भी थोड़ा चेक फीवर ये चेक करें ये सीन है कुछ इस तरह से ये आमों के बाग में उस टाइम में बेहतरीन माहौल है बेहतरीन माहौल ये देखें आपको हर तरफ हरियाली हरियाली नज़र आएगी। और
मैं थोड़ा आपको ये ज़रा व्यू चेक करवा लूँ बाग का। कुछ इस तरह से सीन है हमारा, ठीक है। तो अभी बहरहाल आबिद भाई से भी गपशप करनी है, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले आप लोगों को ना ये थोड़ा सा बाग का व्यू मैं चेक करवा लूँ। तो अभी आबिद भाई और बिलाल भाई वो के सामने ये देख रहे हैं आप, वो बैठे हुए हैं और इनसे भी गपशप करनी अभी बाकी है। तो वे असियत फिल्टे खैर खरीत है। आबिद भाई आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? कैसा चल रहा है आपका काम धंधा? ठीक अल्लाह का शुक्र है। हाँ, रमज़ान कैसा जा रहा है? रमज़ान जबरदस्त माशाल्लाह, माशाल्लाह ज़बरदस्त। रोज़े सारे जा रहे हैं इंशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा आप सुनाओ, क्या है आपके चैनल कहाँ तक पहुँचे, कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं? अल्लाह का सब्सक्राइबर कितने हुए हैं? 340। ज़बरदस्त यार, 346। अच्छा वीवर, ये जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि हमारे आबिद भाई और बिलाल भाई माशाल्लाह इनका फ़नी चैनल है, और इस टाइम कम दिनों में इन्होंने जो है ना अच्छा चैनल इनका ग्रो कर रहा है कि 346 सब्सक्राइबर बता रहे हैं, और अभी मेरे ख्याल में एक से डेढ़ मंथ हुआ है इनके चैनल को बनाए हुए, और फ़नी वीडियो का कंटेंट इनके पास और ज़बरदस्त कंटेंट है। और अगर आप विज़िट करना चाहें इनके चैनल का, तो मैं इनके चैनल का लिंक भी लगा दूँगा अपनी डिस्क्रिप्शन में, और इनके चैनल का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इनके चैनल का नाम है आबिद सरेकी वन, ठीक है। और ये चैनल के जो ओनर हैं ये बैठे हैं सामने आपके, ये आबिद भाई हैं, और ये उनके पार्टनर हैं बिलाल भाई हैं, और इनकी टीम के 5 मेंबर हैं इनकी टीम के अंदर, और जुनेद भाई हैं और एहसन भाई हैं और इम्तियाज़। ये ज़बरदस्त, यकीन करो ये ज़बरदस्त इनकी फ़नी वीडियो होती हैं, और इसके अलावा जो है ना इनकी वीडियो के अंदर जो सीन है ना वो देखने को जो मिलते हैं वो आपको फुल इंटरटेनमेंट करने वाले फ़िल्म के जो सीन होते हैं, जैसे हम ज़्यादातर फिल्मों के अंदर सीन देखते हैं ना, उस तरह के सीन हैं इनके अंदर वीडियो के अंदर। तो मज़ाया भी होती हैं, और इनके शॉर्ट वीडियो भी डालते हैं, ज़बरदस्त कंटेंट है इनके पास माशाल्लाह, और इनका चैनल भी जल्दी ग्रो कर रहा है। और मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह पाक इनको जल्दी तरक्की कामयाबी अता फरमाए, क्योंकि जैसे हमारे मैंने आपको बताया है कि यूसुफ भाई और अरशद भाई का चैनल इस टाइम शॉर्ट वीडियो का था, और वो मोनेटाइज भी हो चुका है माशाल्लाह। और जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि हमारे इलाके के अंदर यूट्यूब का नामो निशान नहीं था, लोग ज़्यादातर नहीं जानते थे यहाँ पे यूट्यूब के हवाले से कि यूट्यूब से अर्निंग भी होती है। तो ये फ़र्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे अपना चैनल क्रिएट किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यार निकम्मा चैनल, तो उसके ऊपर तो मैंने मुख्तलिफ़ ट्रिकें और मुख्तलिफ़ मैंने क्या अपना हर किस्म के मैंने, यानी कि एक प्रैक्टिस चैनल था मेरा किस्म का, तो मैंने प्रैक्टिस काफ़ी सारी उसके ऊपर मैंने की, तो बहरहाल कुछ सीखने को भी मिला मुझे। मुझे इस चीज़ का गम नहीं है कि मेरे 800 सब्सक्राइबर हैं और मेरा चैनल एक साल हो गया मोनेटाइज नहीं हुआ, तो इस चीज़ का मुझे वल्ला कोई गम नहीं है। मुझे खुशी ये है कि मैंने कुछ ना कुछ सीख लिया उस चैनल से, उस चैनल ने मुझे वो राज बताए, वो चीज़ें मुझे सीखने को मिली जो लोग पैसे लगा कर सीखते हैं, और मैं उस चैनल से फ्री में सीखा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने जो चैनल बनाया है ना, इस चैनल से अब मैं दिल लगा के काम करूँगा, और इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और आपको भी हमारी मेहनत पसंद आएगी। तो और भाई ठीक है, लेकिन नाज़रीन माने गुजारिश है कि भाई इना साहब भाई का चैनल है साहब सराकी, ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब लाजमी करो, क्योंकि इन बंदे ने बहुत ही मेहनत की थी और अनथक मेहनत की थी, तो ये सदा उस्ताद भी है, तो लेकिन इन्हें चैनल कई वजह तो भी मोनेटाइज नहीं थी सकिया, तो इन्हें भी आ चैनल बनाया साहब सराकी, और तुसा इन्हें दी मदद करो, तो उनको सब्सक्राइब करो और कमेंट भी लाजमी किता करो। अस अपील करने तुरे अगू कि इन बंदे की हौसला अफजाई करो ताकि जवान अगर वे सा उस्ताद है असा इनको तह दिल नाल असाई कदर करें। मेहरबानी जनाब, मेहरबानी, ठीक है, ते साडे की ते बस असा साडे को अल्फाज कहनी, साडे को ओ अल्फाज कहनी जेड़े सा बयान करो, सा कोई रास्ता दिखाए इन साइड दा, सा कोई ई नहीं बे सा को पैसे दी लालच नहीं, असा आते हैं भी असा कुछ करे ने पे जेड़ा कुछ असा तो अपने अमाम वास्ते भी असा एक साडे जरिए इंसान को खिल बांधे कोई हंस बांधे ता ए सब खुशी थी दी, ते वल्ला बिला असा जले इथा ऐसे असा जले चैनल बड़ा ए सा को ई अर्निंग दा पता करना भी नहीं इतनी अर्निंग है या एक कुछ है होने चैनल होंदा क्या है चैनल क्या होंदे साहब भाई ने सडा हाथ थामे ओ सा को ई ज्यादा घन किया है सारे कजन ए यूसुफ अरशद ए इने दा शॉर्ट ए शॉर्ट वीडियोस चैनल है
वह मोनिटाइज थी गई तो उन्हें को अर्निंग भी थी पी है गाल भाई अस वल भी साढ़े कितने काबिल एतराम उन्हें को सिखा वाले ये साहब भाई तो साकू भी इं रस्ते लाने वाले ये साहब भाई लेकिन सारी अपनी मेहनत साड़ी हौसला अफजाई करें साकू अस जिता कहीं भूल वे साकू रस्ता दिखेन इन चैनल कोई वीडियोज नहीं करें ये सिर्फ करें व्लॉग व्लॉग करें ये अगर करें ना भाई कॉमेडी करें या कहीं शॉर्ट आवेन वो ये नहीं करें सिर्फ व्लॉग करें सारी सारी दरखास्त यह है तुम्हारे नाल भाई मेहरबानी करो भाई इन्हों के व्लॉग व्लॉग कोई गलत गल कहीं आती सिर्फ व्लॉग ये होंगे भाई इलाके दिखेन जे कहीं ना मुलाकात ही करवेन लेकिन कहीं कहीं ना कहीं व्लॉग ये ना कह भी ये व्लॉग खाली वेंदा पे अस को खास गाल होंगी उन्हें खास गाल लाजमी सुनी करो और ये व्लॉग जदड़ी बनते ना जदड़ी बनते व्लॉग कोई भी बने व्लॉग खास तौर ए साहब लाल बैठे तो गाल ये भाई कोई भी बैठा हो कहीं का व्लॉग ही होने कोई खास गाल होंगी है लेकिन साहब भाई की जड़ी ये व्लॉग करें ये व्लॉग चुन के करें खास ज्यादा करें और ये जड़ी एंड तक देखना लाजमी हाँ एंड तक देखना लाजमी है उन्हें नुकता उन्हें कमेंट कि हाँ ये तो मकसद का पता लगे भी क्या ये असा गारंटी नहीं भी तुम्हारे तो कोई जबरदस्ती नहीं भी तुम देखो ठीक है तुम व्लॉग एक देखो तो पसंद नहीं आता तुम मलना अचानक सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें ठीक है तो पसंद नहीं आता कोई जबरदस्ती कहनी कोई जबरदस्ती जबरदस्ती नाल यारी पकड़ी भी कहनी ठीक है सारी दरखास्त मेहरबानी व्यूअर जैसा कि आप सुन रहे थे आबिद भाई और बिलाल भाई ने आपको अपनी कहानी अपने मुंह से सुनाई कि ये बिल्कुल हकीकत है कि व्लॉग मैं जो भी बनाता हूँ मैं पहले वाले चैनल पर भी अपलोड करता था व्लॉग तो मेरे हिसाब से तो मेरे भी लोग ठीक थे क्योंकि कोई बंदा भी है कोई व्लॉगर भी है कोई यूट्यूबर भी है तो वो ये नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊं या ऐसी चीज़ लेकर आऊं जिससे मेरे सब्सक्राइबर मेरे देखने वाले जो है ना बोर हो तो बहरहाल वक्त के साथ साथ इंसान को तजर्बा भी होता है और ऐसा ऐसा नॉलेज में भी इजाफा होता जाता है कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना जहन है कि इतना आप दिमाग काम कर रहा है कि व्लॉग बनाए कैसे जाते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको आइंदा मेरे आने वाले जो भी लोग होंगे वो आपको पसंद आएंगे और हम आपको फुल इंटरटेनमेंट करेंगे तो इस वक्त मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त अपनी दुआओं में याद रखना और